सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरां वाली जी दा वो सांचे दरबार के जय ओम श्री गणेशाय नमः ओम वक्रतुंड श्लोके दुर्गा शिववाच देवे त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायने करोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं रोहि यत्नतः देव्योवाच शृणो देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेण साधनम् मया तमेव सेहेनाप्यम्बास्तुते प्रकाश्यते ॐ अच श्री दुर्गा सप्तश्लोके तन्त्रस्य नारायण ऋषे अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पारे विनियोगः ॐ ज्ञानिनामभिजयताधि देवे भगवते सा वरदा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छते दुर्गे स्मृता हर्षभेदमशेषदन्तो स्वस्ते स्मृता मदिमदेव शुभां ददाति दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोऽस्तुते करुणाकरे नाथ परित्राणपरायणे सर्वक्षाति हरे देवे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टायिनो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते रोगानशेषाणवः दुष्टा हृष्टा दुःखामान् सकलानभीष्टान् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वयाकारमस्मद्भिर्विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्ववाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेदने ॐ शरी साध्वि भव प्रीता भवानि भवमोचने आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारणे पिनाकधारणे चित्रा चण्डघण्टा महातमा मना बुद्धिरहङ्कार चित्तरूपा चिदाचिनी
सर्वमन्त्रमये सत्ता सत्यानन्दस्वरूपणे अनन्तभावने भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवेदेव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञा विनाशने अपर्णानेकवर्णा च पाटलापाटलावते पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जने अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरे वणदुर्गाच मातङ्गे मदङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवे तदा चामुण्डा जैव वाराहि लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्याज बुद्धिदा मौला मौल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भहनने महिषासुरमर्दने मनु कैलवहद्रे च कण्डमुण्ड विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकाशश्च धारणे कुमारे चैकदण्ड्या च केशरे यवदेयतेः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विने नारायणे भद्रकाले विश्वमाया जलाधरे शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने या इदं प्रभदे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् गासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते गणं गण्यं सुतं जायां भयं हस्तमेव च चतुर्वर्गं गता चाण्ड लभै मोतिं च शाश्वतीं कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम जदाशगं तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासताभ्यान्ते राज्याश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रेण विलक्षदन्तं विविना विनिज्ञ भवे सदा धार्यते पुरारिः मोमावाचा निशामग्र चन्देशभिषागरे विलिख्या प्रभदे स्तोत्रं सवे सम्बरापना इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्त जन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषे अनुष्ठव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनाथोत्तमादरा बेजं जगमङ्गदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बापीत्यर्थे सप्तशरे पाडाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः
चंडिका जय मार्कंड वाच ओम जगदोयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निनाम यन्न कस्याचिदाख्यातं तन्न ब्रूहे पितामह ब्रह्मा वाच अस्तिभूयतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकम् देव्यासो कवचं वर्ण्यं तश्वणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणि तृतीयं चन्द्रखण्डे ते कौष्माढ्ये द्विचतुर्दशं पञ्चमं स्कन्दमाते ते षष्ठं कात्यायने च सप्तमं कालरात्रे ते महागौरे दशमं नवमं सिद्धिदात्रे च नव दुर्गा प्रकेतिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं गस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येषु भक्त्या सुदानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेषु रक्षसेतान संशयः वेदसंसाधु चामुण्डा वाराहि महिषासना ऐन्द्रिगणसमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी श्रीवाहना लक्ष्मी परमासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवे ईश्वरी विषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामादरा सर्वा सर्वयोगा समन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं केतकं तामरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं दुशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् यत्याणां देहनाशाय भक्तानां भयाय च दार्यन्दायुधानेतं देवानां देहाय मे नमस्ते सो महारौद्र महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्पेक्ष शत्रूणां भयवर्धने प्राचारक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधु वाराहि नैरृत्यां गर्गधारणे प्रथे च वारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिने भुवे च पादुकौमारे यशानां शूलधारणे भूतं ब्रह्माणि मे रक्ष अरस्ता वैष्णवे तथा एवं दर्शो रक्ष चामुण्डा च वाहना जया मे चाक्षता पादो विजया पादो पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वतो दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योगनी रक्ष दुमामूर्ति व्यवस्थिता बालाधरि ललाटे च भुवो रक्ष दशस्वने त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये जमदण्डा च नासिके शङ्कणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रो द्वारवासने कपोलो कालिका रक्ष कर्णमूल तु शाङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्च दशिका अधरे चां मृगला जिह्वायां च सरस्वते गान्धारक्षतु कौमारे कण्ठदेशतु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी शुकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंश धनोद्धरे नीलग्रीवा बहि कण्ठ नलिकां नलको भरे स्कन्ध्यो खड्गणि रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्योर्दण्डनि रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च
रक्षकुलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी तनो रक्ष महादेव मनाशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोज कामणि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरे तथा भूतना कामिका मेधं गुरे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानने व्यंद्यवासने जंगे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायने गोल्भोर्नारसिंह च पादपृष्ठ सुदैजसे पादाङ्गुलेषु शिरश्च पादादत्तवासने नखादशाकराले च केशांश बोधकेशणि रोमकूपे जुकोबे त्वजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासाण्यस्ति मेधासि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावने पद्मकोश कभचोरामणे तदा ज्वालामुखेन गज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्दशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां सत्येश्वरे तथा अहङ्कारं मनो बुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणि प्राणापाणो तथा व्याणमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगने सत्त्वं गणस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवे यजाकीर्तिं च लक्ष्यं च धनं विद्यां च दक्षिणे भूतमिन्द्राणि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष दण्डिक पुत्रा रक्ष महालक्ष भार्यां रक्ष भैरवे भक्ताणां सुमता रक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष विजया सर्वतः स्थिता रक्षायेनां दुरस्तानां भर्जितं कवचनदो सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने परमेकं न गच्छतु जगच्छमात्मनः कवचेनाभ्युतो नृत्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयासाधकामिकः यज्ञं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्रापसे भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोक्ये तु वेत्पूजः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानां विदुर्लभम् यावने प्रयतो नित्यं त्रिगन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येश पराजितः जीवे वर्षशरं सग्रामपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे भूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं जैव कृत्रिमं चापि यदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्दयन्त्राणि भूतले भूचरा केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिताः सरलाकुलगणेशागणे तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिण्य च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डाभैरवादयः दर्शन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो निधिर्भवे राज्ञस्तेजो विद्धिकरं परं यशसा वर्धते स्वपि कीर्तिमण्डितभूतले यमे सप्तषधिं जण्डिं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्धु मण्डलं धत्त सशैलवणकाननं तावत्तिष्ठति मे लन्यां सङ्कते पत्रपात्रके देहान्ते परमं सारं यत्सुरेरपि दुर्लभम् कामानि पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओ असा
अर्गला स्तोत्रम ओ अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य कृष्णऋषे अनष्टव छन्दः श्रीमालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा वेदये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गा शिवा शिवा धात्रे स्वाहा स्वरा नमासुते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूताधिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमासुते मरुकैणव विद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे वैशासुरनिर्नाशे भक्तानां सुहृदे नमः रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे रक्तबीजावहे देवि चण्डमुण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे शुम्भस्य वन शुम्भस्य धूम्राक्षस्वरवर्धिनि रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे वन्दिताग्रेरुगे देवि सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे अजिन्द्यरूपचरित सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे सुभद्रा भक्ति पूर्वं तं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे चण्डिके सततं जयताम् अर्चयन्तिह भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे विदेहि दिशकामनाशं विदेहि बलमुच्यते रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे सुरासुरशिरोरत्नचक्रश्च चरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे विद्यावन्तं जशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरो रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिशा जहे प्रचण्डदैत्यदर्पणे चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिशा जहे चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुधे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिशा जहे कृष्णेन संसुधे देवे शश्वत्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिशा जहे हिमाचल सुधानाथ संसुधे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिशा जहे इन्द्राणि बलिसर्वाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिशा जहे देवि प्रदण्ड दोदण्ड चतुर्प विनाशने रूपं देहि जयं देहि जश देहि दिशा जहे देवि भक्तनोताव दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जश देहि दशा जहे पत्नि मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारिणे तारिणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलत्वा इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तषधि संख्या परमा गुणोति संवदाम् ओ अथ कीलकम्
ओम अच्छ श्री कीलक मंत्रस्य शिवारिषे अनुष्टव छन्दः श्रीमा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बापेत्यासौ सप्तशदे पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे क्षयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्दानाम विकीलकम् स्वविक्षेमवाप्नो सततम् व्याप्य तत्र सिद्ध्यन्तु जाडनादि वस्तूनि सकलानपि येन सुवतां देवे स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते कामन्तो नौषधम् तत्र न किञ्चेन विविद्यते विराजापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राण विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निबन्धयामास सर्वमेवामिदम् शुभम् स्तोत्रम् वै चण्डिकाया तच्च गुप्तम् जकारसः समाप्तेन च पुण्यस्य तायथा वर्ण्ययन्त्रणाम् स्वविक्षेमवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दश्याम् अष्टम्याम् वा समाहितः जगादिपदिजन्नाथेषा प्रसेदते इत्थम् रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाम् विधायेन नित्यम् जपति संसुटम् सागणः स्वपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापतस्तस्य भयम् क्वापि अजायते नापमित्यो वशम् याति मृता मोक्षम् वाप्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति यो ज्ञात्यैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने न सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदम् शुभम् क्षणे सौजप्यमाणे स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रावे तदा प्रारभ्यमेव ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुभाणि परो मोक्षः श्रूयते चाणकञ्जनैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभिताक्षी वेद्यासी द्वारा विरचित मार्कण्डेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र आय गिरिनन्दनि नन्दतमे दिनिदश्चरिनोदिनि नन्दते गिरिवरविन्दचिरोदिनिवासि कृष्णविराजन विनन्दते भगवति हे चिदकण्ठगुणम् भोरगुणम् भोरगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकमलशैलगते सुरवरवर्षिणि दुर्धर दर्शिणि राजरदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि नन्दते
ಕುಂಭಕ ಪರದನ ಜಯರದ ಚಂದ್ರ ಹೃದಯ ಮಹೇಶ್ವರ ಸಂಗ
चंदर के जित कन काजल मोल भव जित जुगर कुंजर कुंभ कुज जय जय हे मय चातुर मर रंग कबर दिन जय नर बेज तहत्त करे कतहत्त करे कतहत्त करे कलुज बेज सुर तारक तंदर तारक कमले भक्तियाँ अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध मया भवतु मे देवी भक्तता
ज्योता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया ज्योता जयकारा शेरा वाली जी दा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। ए वीर हतेर जगदुपेति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चराय पापम संगाम मित्तु मदगम देवम प्रयान्तु मत्वेति नून महितान विनिहंसी देवी। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। दिष्टे किंग न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु जत्पहिनोषि शस्त्रम लोकान् प्रयान्तु रिवो शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वभि तेष्वि साध्वि। आप शत्रु पर शत्रु का प्रहार क्यों करती हैं, समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती, इसमें एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग पहाड़ निकर विस्तृत सुग्री शूलाग्र कांति निभेन दिशो असुराणाम जन्नागदा विलम शोधन खंड योग्याडम तब लोक दम तदेत। खड़ग के तेज पुंड की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं उसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। सचिया ज्योता बाल माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं सब देवताओं पर राजा महाराजाओं पर दैत्यों पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का आलान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और माता जी ने
उनकी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी कष्टों को दूर किया है, मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। आप जानते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण होने पर अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन में भटक रहे थे, वृक्षों से लताओं से ये पूछते हुए कि पंचवटी की विपटताओं कहाँ गई मम प्रीते, ऐ रघुवर के भाग्य विधाता मैं हारा तुम जीते, इस प्रकार विलाप कर रहे थे। उसी समय नारद जी अपनी महती नाम वीणा द्वारा गायन करते हुए वहां पधारे। इनका दोनों भाइयों ने आसन देकर के उनके चरण धोए, उनका आदर सम्मान किया। उस समय नारद जी राम जी से पूछ रहे हैं कि हे राम, आप साधारण मनुष्य की तरह चिंताग्रस्त क्यों हैं, शोकाकल क्यों हैं? मैं जानता हूं कि इस समय रावण सीता का हरण करके ले गया है, परंतु ऐसा करके उसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है, क्योंकि ये सीता पूर्व काल में ऋषि कन्या थी और जब ये वन में तपस्या कर रही थी तो ढीठ रावण ने इसको देखा था और अपनी पत्नी बनने के कहा था, परंतु उसके द्वारा तिरस्कार किए जाने पर रावण ने उसके केश पकड़ लिए थे। उस समय उसने रावण को श्राप दिया था कि मैं तेरे स्पर्श से दूषित हुई हूँ, अतः अगले जन्म में मैं गर्भ से जन्म ना लेकर के तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई सीता ये वही है जिसको रावण एक पुष्प की माला गले में डाल, जो ऐसे समझ रहा मैंने पुष्पों की माला डाली हुई है, परंतु ये पुष्पों की माला नहीं अभी तो नागिन की तरह है। राम सीता बड़ी धर्मपरायण है, पतिव्रता है, और वो केवल आपका ही स्मरण करती हुई लंका में रह रही है। स्वयं इंद्र भगवान ने उसको कामधेनु का दूध पीने के लिए भेजा था, जिसको पी करके वो भूख प्यास के दुख से रहित हो गई है। मैंने देवलोक में उनको देखा था। राम, मैं रावण के वध का आपको उपाय बताता हूँ कि आप जो आगामी अष्ट नवरात्र हैं इनमें विधि पूर्वक उपवास पूर्व रहते हुए दुर्गा माता की आराधना करो, पवित्र होम की बलि दो, इससे निश्चित रूप से मां प्रसन्न होंगी और उनके आशीर्वाद से आप रावण का वध करके सीता को वापस लाएंगे, क्योंकि पूर्व काल में अत्रि भृगु वशिष्ठ जी देवगुरु बृहस्पति जी इस व्रत को कर चुके हैं। स्वयं शंकर भगवान ने त्रिवर दत्त का वध करने के इसको व्रत को किया था। भगवान विष्णु ने सुमेरु पर्वत मधु दैत्य का वध करने इसको व्रत को किया था, और इंद्र भगवान ने वित्तासु का वध करने इसको किया था। राम जी कह रहे हैं कि वो देवी कौन है, उनका स्वरूप क्या है, तो नारद जी बता रहे हैं कि वही अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति है जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संबंध करके सृष्टि का सृजन पालन संहार करती है। वही निर्गुण रूप में परम ब्रह्म के साथ मिलकर के पहले विहार करती है और फिर सगुण रूप धारण करके ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का निर्माण करके उनसे सृष्टि का सृजन पालन संहार कराती है। उससे रावण जी पूछ रहे हैं राम जी कि व्रत का विधान क्या है, तो नारद जी बता रहे हैं कि नवरात्र लगने पर आप एक सुंदर पीठासन बनाइए, उस पर दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित कीजिए और फिर उपवास पूर्ण रहते हुए विधि पूर्वक धूप दीप होम से पवित्र होम की बलि देते हुए आप दोनों भाई व्रत करो। और नारद जी ये भी कह रहे हैं कि इस यज्ञ में मैं आपका आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं का कार्य करने के लिए मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। समय अनुसार नवरात्र आने पर राम जी ने किष्कंधा पर्वत पर एक सुंदर पीठासन बनाया और उस पर दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की। दोनों भाइयों ने उपवास पूर्ण रहते हुए विधि पूर्वक दुर्गा माता की समाराधना की, जिससे प्रसन्न होकर माता जी ने अष्टमी की मध्य रात्रि को दोनों भाइयों को दर्शन दिया और मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा कि राम, मैं तेरे इस बात से संतुष्ट हूँ, आपके मन में जो भी अभिलषित कामना हो उसको वर के रूप में मांग लो, क्योंकि पूर्व काल में आपने ही मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया था, आपने ही वरा रूप धारण करके पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख करके उसका उद्धार किया था, और कच्छव रूप धारण करके मंदा जल पर को अपने पीठ पर धारण करके खीरसार का मंथन किया था, देवताओं को अमृत प्रदान करवाया था, आपने ही यमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में क्षत्रु से पृथ्वी छीन करके ब्राह्मण को दान दे दी थी, नरसिंह रूप में आपने प्रहलाद की रक्षा की थी, और अभी मेरी प्रेरणा से देवताओं के प्रार्थना करने पर आप भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए हैं और आप रावण का वध करेंगे। ये जो सभी वानर हैं, ये देवताओं का अंश हैं, ये सभी आपकी सहायता करेंगे, और आपके अनुज लक्ष्मण जो शेषनाग का अंश हैं, ये मेघनाद का वध करेंगे, और आगे जो वासंतिक नवरात्र हैं उनमें भी आप दुर्गा माता की आराधना करना। इस प्रकार का वरदान देख के माता जी अंतर्धान हो गई हैं और राम जी ने वानों की सहायता सेतु बांध करके लंका बजा करके परिवार से रावण का वध किया और सीता को वापस लाया।
कहने का तात्पर्य केवल यही है कि जभी जभी हम भक्ति नहीं स्वयं अवतार भी जब गौर शंकर पाठ जाते हैं उस समय वे भी जब इन्हीं दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। विशेष रूप से इस कलिकाल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है, कलो ही चंडी विनायक हो, शास्त्रकारों ने पूर्व वर्णन कर दिया है कि कलिकाल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति जी का प्रताप होगा। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुणी के धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपर के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है जिसमें आप स्नान करते हैं चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज सूर्य चंद्रमा बटुकता प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है। इसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन नैश मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती है। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण बैठे हुए हम सभी भक्ति तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं सचिया जोतां वाली माता जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शिरवली बोल सच्चे दरबार की जय। माँ जे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, माँ जे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, अपनी दया कहा हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, माँ दे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, माँ दे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, माँ दे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा। काली क्रास देवी है, सभी वक्त हाथ उठा कर माता जी हाथ देंगे और उनका बोले जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया माँ, बहुत बड़ा एहसान किया माँ, बहुत बड़ा पहचान लिया माँ, हमने तुझे पहचान लिया, हमने तुझे
मुझे पहचान लिया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान कर, बहुत बड़ा एहसान किया माँ, बहुत बड़ा एहसान किया। तू है अम्बे तू है काली, हमने तुझे पहचान लिया माँ, हमने तुझे पहचान लिया, हमने तुझे पहचान लिया। जन्म जन्म तक साथ रहोगी, जन्म जन्म तक साथ रहोगी, रख लो हमारी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया अपनी दया का, देना हो तो दीजिए जन्म का सा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, माँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, माँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा। धन दौलत से प्यारी है माँ, धन दौलत से प्यारी है माँ, धन दौलत से प्यारी है। एक नजर कृपा की दाती, इज्जत शान हमारी है माँ, इज्जत शान हमारी है, इज्जत शान हमारी है। माँ तेरे चरणों की धूली, धन दौलत से प्यारी है माँ, धन दौलत से प्यारी है, धन दौलत से प्यारी है। एक नजर कृपा की दाती, इज्जत शान हमारी है माँ, इज्जत शान हमारी है, इज्जत शान हमारी है। कृपा की बरसात, देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा। मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया अपनी दया का, अपने गले लगाती हो माँ, अपने गले लगाती हो माँ, अपने गले लगाती हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराती हो, जो देने से घबराती हो, जो देने से घबराती हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाती हो माँ, अपने गले लगाती हो माँ, अपने गले लगाती हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराती हो, जो देने से घबराती हो, जो देने से घबराती हो। मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, तेरी सेवा करूं दिन रात, देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सा। सुन रहे हैं गंगी धूप में प्यार की छैया कर दे
की छैया कर दे तू, मां प्यार की छैया कर दे तू। बिनवा जी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, अब पतवार पकड़ ले तू, अब पतवार पकड़ ले तू। आज उलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू माँ, प्यार की छैया कर दे तू माँ, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माँ जी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू माया, पतवार पकड़ ले तू, पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधेरी रात देना हो तो दीजिए, कर रहे हैं श्री मनिंदर। जय करा शेर बोल सच्चे दरबार की जय। तेरा नाम जप दे नंगे पैरी टुर दे, तेरा नाम जप दे नंगे पैरी टुर दे, असे आना मैया जी असे तेरा नाम जप दे नंगे पैर तुर दे, आना मैया जी आना। तेरा नाम जप दे नंगे पैर तुर दे, आना मैया जी आना। तेरा नाम जप दे नंगे पैर तुर दे, आना सहयोना। तेरा नाम जप दे नंगे
ध्यान करिए पौड़ी पौड़ी चढ़िए अस्थयाना मैया जी अस्थयाना तेरा ध्यान करिए पौड़ी पौड़ी चढ़िए Yeah.
गुहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जय कर श्री रामचंद्र बोल सच्चे दरबार की जय। चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए। दादिए हसू दे नाते रुता प्यारिया, दादिए हसू दे नाते रुता प्यारिया, अम्मीए हसू दे नाते रुता प्यारिया, अम्मीए हसू दे नाते रुता प्यारिया। चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए। दादिए हसू दे नाते रुता प्यारिया, दादिए हसू दे नाते रुता प्यारिया, अम्मीए हसू दे नाते रुता प्यारिया, अम्मीए हसू दे नाते रुता प्यारिया। दादिए हस हस लाइया भगता तारिया, दादिए हस हस लाइया भगता तारिया, अम्मीए हस हस लाइया भगता तारिया, अम्मीए हस हस लाइया भगता तारिया। चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए। दादिए हसू दे नाते रुता प्यारिया, दादिए हसू दे नाते रुता प्यारिया, अम्मीए हसू दे नाते रुता प्यारिया, अम्मीए हसू दे नाते रुता प्यारिया। चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए, चल भगता चल मादर चलिए। दादिए हसू दे नाते रुता प्यारिया, दादिए हसू दे नाते रुता प्यारिया, अम्मीए हसू दे नाते रुता प्यारिया, अम्मीए हसू दे नाते रुता प्यारिया। चन्न तेरे मथे दा टिका, चन्न तेरे मथे दा टिका, दादिए तारे ने कन्ना दिया वालिया, दादिए तारे ने कन्ना दिया वालिया, अम्मीए तारे ने कन्ना दिया वालिया, अम्मीए तारे ने कन्ना दिया वालिया। चल भगता चल
चल भगता चल मादर चलिए चल भगता चल मादर चलिए दादिए असुदे नौराते रुता प्यारिया दादिए असुदे नौराते रुता प्यारिया हमिए असुदे नौराते रुता प्यारिया माय हमिए असुदे नौराते रुता प्यारिया बाह मैया दे जूड़ा सोवे बाह मैया दे जूड़ा सोवे दादिए कन्नी जो पण सोनिया वालिया दादिए कन्नी जो पण सोनिया वालिया हमिए कन्नी जो पण सोनिया वालिया हमिए कन्नी जो पण सोनिया वालिया चल भगता चल मादर चलिए 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 दादिए असुदे नौराते रुता प्यारिया दादिए असुदे नौराते रुता प्यारिया हमिए असुदे नौराते रुता प्यारिया चल भगता चल मादर चलिए 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 दादिए असुदे नौराते रुता प्यारिया दादिए असुदे नौराते रुता प्यारिया हमिए असुदे नौराते रुता प्यारिया रुता प्यारिया हमिए असुदे नौराते रुता प्यारिया जय कर श्री रमणी सो सच्चे दरबार की जय प्रातः नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दय दिविनाश दक्षाम ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमो हनशील लीलाम चंडी समस्त सुरमुक्ति मनेक रूपा सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय कर शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय आज बिक्रमादित्य शुभ संवत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास की आज 13 प्रविष्ट है कृष्ण पक्ष आज सप्तमी तिथि है शुक्रवार तदनुसार 26 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्य अंग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। अब सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी धर्म दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रानाम उदयस्तु श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो आपका आरोग्यता प्राप्त हो आप धन धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों।
ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी जी को निष दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा ओम जय को भागत दूर विराज ई को मृग मद को मैया की को मृग मद को चार अति शोभित परमोद्राधारी
अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, कल फिर बोलो जय माता दी, आवे बेला जय माता दी, प्रातः बेला जय माता दी, आरती में जय माता दी, आप बुलाकर जय माता दी, कष्ट कटाती जय माता दी, मेरा करवा जय माता दी, झोलियां भरती जय माता दी, भरे खजाने जय माता दी, सोलह आने जय माता दी, गोदाम भरती जय माता दी, वीर जती जय माता दी, लाल जती जय माता दी, पाने चुनिया जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी, हाथ भी बोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चोलियां वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, चूड़ियां वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, मंदिरा वाली जय माता दी, झंडिया वाली जय माता दी, द्वारा वाली जय माता दी, खबरा वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, आग वाली जय माता दी, जट कल्याणी जय माता दी, मामा रानी जय माता दी, बिट्टी रानी जय माता दी, वैष्णो देवी जय माता दी, मामा काली जय माता दी, अप्पर वाली जय माता दी, शक्ति देवी जय माता दी, लक्ष्मी मैया जय माता दी, शक्ति द्वारी जय माता दी, हरे खजाने जय माता दी, सोलाया जय माता दी, सरस्वती माँ जय माता दी, आंसर वाली जय माता दी, विद्या दंदी जय माता दी, ज्ञान दंदी जय माता दी, बुद्धि दंदी जय माता दी, भक्ति दंदी जय माता दी, जय जय अम्बे जय जय अम्बे, 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 सचिया रोता वाली माता रे सदा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पहर सो सतगड़ी योजना का ज्ञान रे Thank you.
खड़गम चक्रगदेशु चाप बलिगा चूलं शुंडिं चुरा शंखं सन्दधतिङ्करे स्थिनयन दण्डं शर्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टा सुराभाजनम् शूलं पाच सुदक्षिणे च दलतिम् हस्ते प्रसन्नाननाम् लक्ष्मी सरोजस्थिताम् घण्टा शूलहरानि शङ्खमुसुले चक्रं धनुसायकम् हस्ता भेदलिङ्गनान्त विलसम् श्वेताक्ष तुल्यप्रभा गौरी देह समुद्भवां तिलकम् आधारभूता महा पूर्वा मन्त्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदत्यासिनी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जनका त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वमवदेव देव शान्तासारं भुजगशयनं सर्वदावं च देशं विश्वाधारं गगनसदृशं भेदवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभगवर्णं सर्वलोकैकनाथं अस्तुकं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिवरं माधवं गोपिकावरं दायकं दिगाञ्चलं हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपालमस्मिन् किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच फूला रानी माता तेरी सदा सर्वत्रा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लुंगड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म की जाओ अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर 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 महादेव प्रभु बाबा शंकर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा मां शेरावाली बोलो आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय जय माता दी Thank you.
आप भी दो ऐसे जय 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 ज